लोकसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहे हैं, जिसके लिए सभी नेता अपनी मजबूती के लिए गठबंधन और दल परिवर्तन कर रहे हैं। इन्हीं में एक और नाम शामिल होने जा रहा है, सपा से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव का। बता दें कि हरिओम यादव का नाम फिरोजाबाद जिले के कदावर नेताओं में आता है। सिरसागंज से फिर एक बार टिकट की दावेदार कर रहे विधायक हरिओम यादव को राम गोपाल यादव के साथ मतभेदों का खामियाजा भुगतना पड़ गया है। आपको बता दें, मतभेदों के कारण सपा ने सिरसागंज से विधायक को टिकट देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विधायक को बीजेपी पार्टी के नेतृत्व से सिरसागंज से टिकट मिलने का आश्वासन मिला है। आपको बता दें, शिकोहाबाद से 2002 में और 2012 से लेकर 2017 में सिरसागंज सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के दौरान 2017 में फिरोजाबाद जिले की एकमात्र सिरसागंज सीट ही समाजवादी पार्टी बचा पाई थी, लेकिन अब राम गोपाल यादव से मतभेदों के कारण सपा विधायक का टिकट कटना तय माना जा रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।